क्यों बैटमैन वी सुपरमैन एक बुरी फिल्म नहीं है। बैटमैन वी सुपरमैन में सबसे प्रसिद्ध या बदनाम अनुक्रम डॉन ऑफ जस्टिस के ठीक बाद बैटमैन ने सुपरमैन को वॉश बेसिन के साथ सिर के ऊपर से काट लिया। क्रिप्टोनाइट गैस ग्रेनेड से कमजोर मैन ऑफ स्टील हेनरी कैविल, गैसों की लेक्स लूथर ने अपनी माँ माथा का अपहरण कर लिया है। कैप्ट क्रूसेडर बेन एफ्लेक ने कहा, आपने उस नाम को क्यों कहा? उनकी अपनी माँ, जिसे आप भी देखते हैं, को माथा कहा जाता है। मुझे याद है, फिल्म देखने पर बैटमैन की तरह लगभग चौंका हुआ था। मैं दशकों से एक सुपरहीरो गीक रहा हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि डीसी कॉमिक्स के दो सबसे प्रतिष्ठित पात्रों की माताओं का एक ही नाम था। और फिर भी बैटमैन वी सुपरमैन के निर्देशक या जैक स्नाइडर या लेखकों में से एक क्रिस टेरियो और डेविड एस गोअर केवल संयोग नहीं देखा था, उन्होंने इस बात की कल्पना की थी कि यह प्रभाव चरित्रों पर पड़ सकता है, जिसे देखते हुए बैटमैन का माता पिता की हत्या तब की गई जब वह एक लड़का था, और यह कि सुपरमैन को मार्था केंट ने गोद ले लिया था क्योंकि उसके अपने जैविक माता पिता को एक ग्रह के प्रलय में वाष्पीकृत कर दिया गया था। दोनों सुपरहीरो के रूप में अलग अलग थे। बैटमैन वी सुपरमैन ने दिखाया कि वे अपने माता पिता की भयानक मौत के आघात से जुड़े थे। प्रतिभा, यह एक फिल्म है, मैंने सोचा था कि मेरे साथी नर्क को प्यार करने वाले थे। मैं पूरी तरह से सही नहीं था। अधिकांश आलोचकों ने बैटमैन वी सुपरमैन को हंस जिमर और जानकी एक सेल द्वारा एक सिरदर्द उत्प्रेरण स्कोर के साथ एक दयनीय गड़बड़ के रूप में उतारा, और एक रंग पैलेट इतनी सुस्ती की ऐसा लग रहा था जैसे सुपरमैन ने अपनी काली जीन्स के साथ अपनी नीली और लाल छलांग लगाई थी। यहाँ तक मुखौटे और टोपी के लिए एक उच्च सहिष्णुता वाले दर्शक भी निराश थे। बहुत जल्द ही स्नाइडर की फिल्म इस बात का प्रतीक बन गई कि वॉर्नर डीसी के सुपरहीरो को गलत तरीके से समझा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से डिज्नी मार्वल को संभाल रहा था, उसका विरोध किया गया था, और इसके बारे में कुछ भी माथा के दृश्य के रूप में व्युत्पन्न नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि बातचीत अधिक सुरुचिपूर्ण हो सकती है। हो सकता है कि पात्रों को अपने ईसाई नाम से सुपरमैन की दत्तक माता का उल्लेख नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यह मानता हूं कि माथा विचार एक चतुर था, और यह उस महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा है जो मुझे बैटमैन वी सुपरमैन से प्यार करता है, जबकि कई लोग इसे घृणा करते हैं। स्नाइडर ने कभी भी बनाए गए दो सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक रूप से व्यवहार या सुपरहीरो लेने की हिम्मत की, और यह कहना कि वे दोनों मम्मी के लड़के थे, मार्वल का सिनेमाई ब्रह्मांड इसके विपरीत अच्छी तरह से समायोजित क्विक स्वैपिंग पैरागॉन के साथ रखता है। यहाँ तक क्रिश्चियन बेल द्वारा निभाई गई बैटमैन एक क्लब योग्य साथी थी, लेकिन स्नाइडर ने इस सवाल पर कुछ गंभीर विचार किया कि हमारे पसंदीदा पोशाक अपराध सेनानियों की तरह क्या हो सकता है यदि वे वास्तव में अस्तित्व में थे, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अनुचित रूप से नहीं, कि निकट सर्वशक्तिमान अलौकिक और एक अनाथ अरबपति सतर्कता में गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ें हो सकती हैं। मुद्दे फ्रैंक मिलर के खेल बदलते 1986 के ग्राफिक उपन्यास द डार्क नाइट रिटर्न्स से प्रेरित स्नाइडर ने फैसला किया कि बैटमैन और सुपरमैन असुरक्षित, क्रोधित, अपराध बोध, दुस्वप्न प्रेतवादित होंगे और एक भयभीत आबादी द्वारा तिरस्कृत होंगे। किसी तरह वह बहुत ही विषय पर एक मल्टीमिलियन डॉलर ब्लॉकबस्टर बनाने के साथ दूर हो गया। हाँ, यह कमजोर, डायस्टोपियन और जाहिरा तौर पर कम वॉट के मशाल बल्ब से जलाया जाता है। हाँ, इसका अपना महत्व अधिक है, लेकिन इसके दो अमानवीय दुश्मन दुनिया को कैसे देखते हैं। एफ्लेक का बैटमैन एक दुखद अकेला व्यक्ति है जो स्टार के थोपने के आकार और अच्छी तरह से प्रचारित व्यक्तिगत राक्षसों के लिए धन्यवाद रूसी गैंगस्टरों के एक कमरे में रहने वाले लोगों को बहुत हरा सकता है। यह वह क्रूर चोट थी जिसका हम डार्क नाइट रिटर्न्स भक्तों को इंतजार था। इस बीच कैविल के पेमा फ्रूइंग सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव के सौम्य आकर्षण नहीं थे। स्नाइडर उसे जीवित मिसाइल के रूप में चित्रित करना पसंद करते हैं, आकाश के माध्यम से उछलती हुई ध्वनि या फिर एक दिव्य संदेशवाहक के रूप में। हमारे साथ सांसारिक मृत्यु के साथ एक संक्षिप्त अवमानना के लिए उच्च पर तैरते हुए चूंकि बैटमैन वी सुपरमैन जारी किया गया था, एक टेलीविजन श्रृंखला द बॉयज और एक फिल्म ब्राइटबर्न दोनों ने इस धारणा के साथ खेला है कि एक अविनाशी बेहिसाब सुपरमैन प्रकार एक भयानक अस्तित्ववादी खतरा हो सकता है, लेकिन स्नाइडर के असंबद्ध रूप से विध्वंसक महाकाव्य ने सुपरमैन के साथ ऐसा किया। एक शुरुआती क्रम में निर्देशक ने 2013 के मैन ऑफ स्टील से सुपरमैन और जनरल जॉर्ड के बीच जलवायु लड़ाई को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार हम इसे जमीनी स्तर से देखते हैं। हम चकनाचूर गगनचुंबी इमारतों, उठते धूल के बादलों, निर्दोष नागरिकों को मारते और मारते हुए देखते हैं। संक्षेप में हम सामूहिक विनाश को देखते हैं जो मार्वल के ब्लॉकबस्टर्स में चमकता है। मैं समझता हूं कि यह कयामत और उदासी भले ही दूर की कौड़ी रही हो, लेकिन यह होना चाहिए था। बैटमैन बनाम सुपरमैन एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, लेकिन एक सुपर हीरो फिल्म, दो लोगों के बारे में एक फिल्म जो केवल एक माँ प्यार कर सकती है, दो लोगों के बारे में फिल्म केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है।